केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इन दिनों बिहार पर फोकस है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में उनके दौरे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर 2 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। वो नवादा के हिस्सों में आम सभा को संबोधित करेंगे। स्थल निरीक्षण को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। हिस्सा कार्यक्रम की सफलता और स्पॉट निरीक्षण के लिए शनिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हिस्सा पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वे हिस्सा के पूर्व विधायक अनिल सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर हिस्सा के इंटर विद्यालय मैदान एवं सिंचाई विभाग मैदान का निरीक्षण किया। हिस्सा इंटर विद्यालय होगा सभा स्थल। आगामी 2 अप्रैल को आयोजित मुख्य सभा स्थल हिस्सा के इंटर विद्यालय का मैदान होगा। वहीं हेलीपैड हिस्सा सिंचाई विभाग का मैदान होगा। हेलीकॉप्टर के माध्यम से केंद्रीय मंत्री हिंसवा सिंचाई विभाग के मैदान में उतरेंगे, जहां से कार पर सवार होकर सभा स्थल इंटर विद्यालय के मैदान जाएंगे। सभी समुदायों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री का बिहार कार्यक्रम सभी समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश है। भाजपा ने अमित शाह का कार्यक्रम नवादा में कराया। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा सरकार से हटी है, तब से अमित शाह ने बिहार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार के सासाराम और नवादा में रैली करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हिस्सा के पूर्व भाजपा विधायक अनिल सिंह के आवास पर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। नवादा प्रवास के दौरान सबका साथ और सबका विकास को लेकर जनता से रूबरू होने जाएंगे। बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गृह मंत्री के आम सभा की तैयारी में है। साथ ही नवादा की जनता उत्साहित है। नवादा सप्त ऋषियों की भूमि है। यहाँ की जनता समझती है कि देश के विकास के लिए भाजपा जरूरी है। इस बिहार के गरीब अपने मसीहा नरेंद्र मोदी को मानते हैं। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने लिए बहुत कुछ नहीं सोचते। उनके मन में है, जब काम करते हैं तो पंडित दीनदयाल जी के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिया हुआ वह संकल्प, एकात्म मानववाद का वह वचन और प्रतिबद्धता उसके प्रति कि हम गरीबों के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करेंगे, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इसकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की और नेताओं की होती है। गठबंधन होता है राजनीति में, गठबंधन को सीट गया और ये सीट हम जीते भी, फिर जिसके पास जाएगा ये सीट जीतेंगे। जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का इस देश के लोगों के संकल्प के साथ है कि इस देश के लोग, नवादा के लोग और बिहार के लोग नरेंद्र मोदी जी को फिर भारी इस बार नवादा के लोग नवादा का नेता चुनना चाह रहे हैं। नवादा के मांग है कई बार से दूसरे जिले के यहाँ के सांसद बनते हैं, तो ये संसदीय क्षेत्र का नवादा का लोगों को मांग है। भारतीय जनता पार्टी एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने में लगी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत बनाया था और माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। इस संकल्प के साथ हम सब काम कर रहे हैं। सर मनीष कश्यप के किसान करते हैं, किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उसकी विस्तृत चर्चा उस दिन होगी। लेकिन आज इस देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास कर एक जो सपना सजोया है, वह देश से गरीबी मिटाने का, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 2047 तक जब हम आजादी के 100वां वर्ष पूरा करेंगे, उस समय दुनिया का सबसे प्रति व्यक्ति आय भारत का होगा। इस ध्येय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। पहले इस देश के लिए काम करने वाले, बलिदान समर्पण करने वाले, शहादत देने वाले लोगों की पहचान दिलाने तक के लिए पूर्व की सरकार तैयार नहीं होती थी। भारत के इतिहास ने उनके साथ धोखा दिया, उनके का जसोगान नहीं किया। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश से गरीबी भी मिटा रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश की सीमा भी सुरक्षित है, देश में शांति भी बहाल है, देश में कृषि उत्पादन भी बढ़ा है, देश में उद्योगों से भी उत्पादन बढ़ा है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है और विश्व गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई अभिभावक उपस्थित हैं,
जिलाध्यक्ष उपस्थित है, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, और यहाँ दो दो अपने पूर्व विधायक हैं। आप सभी मीडिया के बंधु हैं, सबको मैं एक बार यहाँ अभिनंदन करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। 2 अप्रैल को 12:30 बजे 12:30 पर माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी नवादा लोकसभा प्रवास के क्रम में हिसुआ के हाई स्कूल के मैदान में क्या लिखते हैं इंटर विद्यालय हिसुआ के मैदान में 12:30 बजे पधारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अब केंद्रीय नेताओं का, भारत सरकार में केंद्र के आदरणीय वरिष्ठ मंत्रियों का, संगठन के विस्तार और संगठन की सुदृढ़ीकरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार के फैलाव के लिए, और जो केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, अब तो 9 वर्ष होनी होंगे, 8.5 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, उस सबको लेकर पूरे देश भर में दौरा चल रहा है। और अब सोच सकते हैं कि हमारे इतने बड़े नेता, देश के गृह मंत्री, एक लोकसभा के आम सभा को संबोधित करेंगे। उस दिन नवादा में, नवादा की महान जनता का आशीर्वाद लेंगे, उनसे संवाद करेंगे, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की कोर कमेटी की एक मीटिंग भी करेंगे। यह उनका कार्यक्रम है। जब यहाँ आया हूँ हिसुआ में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो माननीय गृह मंत्री जी की आम सभा, नवादा लोकसभा की जो होगी उसकी तो तैयारी में लगे ही हैं, लेकिन अनोखा और अद्भुत तरीके से अभी से उत्साह के साथ नवादा लोकसभा की जनता लग गई है। लोगों के मन में उमंग है कि भारत के ऐसे गृह मंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रेरणा में इस देश के हित में कई बड़े बड़े निर्णय, ठोस निर्णय लिए हैं, उनको सुनने के लिए हम पहुंचे और सुनने के लिए लोग आते हैं। अपार भीड़ होगी और कार्यक्रम काफी सफल होगा। नवादा सप्तऋषियों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ की सौंदर्यता भी अनोखा है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। वह समझते हैं कि देश के लिए और अपने बिहार के लिए क्या क्या जरूरी है, किस किस चीज की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का जो नारा है, वह आज देशवासियों ने स्वीकार किया है। इस देश के गरीब, इस बिहार के गरीब, इस नवादा के गरीब अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। इस देश के गरीबों के मन में बहुत दिनों से यह लालसा थी कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारा भी अपना घर होगा, पीने के स्वच्छ पानी होगा, हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका सही से हम इलाज करा पाए, और हमारे भी घर आंगन में खुशियां होगी, हमारे पास भी अपना शौचालय होगा, बच्चे हमारे पढ़ेंगे। यह सोचकर इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, नौजवान मन में कई आशाएं पाले हुए सपने देख रहे थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को एक मसीहा मिला है। नौजवानों को, गरीबों को, माताओं बहनों को, किसानों को, मजदूरों को,
सबको मसीहा मिला है और प्रधानमंत्री